Hello and welcome. I am O.P. Singh. In this video, I will discuss a question which was asked in 2022 GS Mains Paper 1 History and Culture segment. This question is discuss the contribution of Chola period and Gupta period in the heritage and culture. This is a question of everybody's understanding. Har aadmi ise samajh sakta hai. Ye nahi ki wo IAS pe hi koi exam de rahe hain tabhi इसका महत्व है. यह हर व्यक्ति के लिए जानने का विषय है. आजकल एक कंट्रोवर्सी चली है कि चोल जो थे, चोल सम्राट हिंदू नहीं थे, तो फिर वही क्या थे वो? उन्होंने हिंदू मंदिरों की स्थापना की थी, उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया था, तो चोल फिर क्या थे? तो पहले तो हम गुप्त काल का, गुप्त पीरियड का मतलब गुप्त काल का योगदान देख लेते हैं. तो गुप्त काल क्या है? गुप्त काल वो है कि गुप्ता वंश का शासन इस पूरे उत्तर भारत में था. तो यहाँ पे गुप्त काल का मतलब ये नहीं है कि गुप्त डायनेस्टी है. गुप्ता डायनेस्टी नहीं है. गुप्त डायनेस्टी के अलावा उसमें जो इस क्षेत्र में वाकाटक शासन करते थे, वाकाटक, उनका भी है, वाकाटक का. तो बात गुप्त काल की पूछी है, गुप्त डायनेस्टी की नहीं पूछी. गुप्त काल का योगदान बताइए. तो गुप्त काल में उनके शासन काल के समय जो भी यहाँ पे कार्यकलाप थे, कला और संस्कृति से लेकर, वो सब आपको बताना है. ठीक है, हेरिटेज और कल्चर में उनका योगदान बताना है. गुप्त वंश का जो शासन काल है, गुप्त काल को हम एक तरह से लगभग 300 ईस्वी से लेकर और 650 ईस्वी तक ब्रॉडली मान सकते हैं. ये है गुप्त काल. Who knows not the contribution of the great Guptas? Who knows not that Gupta age was the golden age? Gupton ka yogdan, Sanskriti mein sab cheeze aa jati hain, heritage mein sab cheeze aa jati hain. Guptas contributed to the growth of the temple. Gupton ke kaal mein hi Bharat mein, Uttar Bharat mein jo mandir the, jinhe hum Nagar Shaili ke temple kaha jata hai, unki sthapna hui, unki sansthapna hui bhai. गुप्त काल में एक यहाँ से लेके स्टेज बाय स्टेज जो टेंपल है उनका फॉर्मेट बना, जो बेसिक फॉर्मेट है नागार स्टाइल का, गुप्तों के टाइम ही बना. पहला कंट्रीब्यूशन है नागारा स्टाइल. मेन कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है ना वो, नागारा स्टाइल ऑफ टेंपल्स. ये पहला कंट्रीब्यूशन है. इस पे 2-3 लाइन लिखेंगे. फिर हम आ जाते हैं केव कंस्ट्रक्शन चलता रहा आर्किटेक्चर में, पहले से चल रहा था, आगे भी चलता रहा, हालांकि कम हो गया था. अजंता में काफी केव्स बनवाई गई और बाघ में भी केव बनवाई गई. इसे आप लिखेंगे जरूर, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर जानते होंगे अजंता बाघ के बारे में. एक एक दो दो लाइन यहां लिखना है. और फिर पेंटिंग में आ जाते हैं. पेंटिंग्स में अजंता है और बाघ है. अजंता एंड बाघ. अजंता इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड बाघ इज सिचुएटेड इन MP नियर होशंगाबाद. तो दोनों ही पेंटिंग ट्रेडिशन है जो इसको सूचित करते हैं. ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई. हु नोज नॉट अबाउट अजंता आर्ट. अजंता आर्ट इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म एंड टू सम एक्सटेंट बाघ वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द थीम ऑफ बुद्धिज्म. तो इन दोनों के बारे में बताएंगे, 2-3 लाइन यहाँ पे बता देंगे. फिर आ जाते हैं स्तूपा. स्तूप कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूड बट इन ए डिमिनिश्ड मैनर, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ स्तूप कंस्ट्रक्शन. ठीक है, पिलर कंस्ट्रक्शन भी हुआ, पिलर्स का कंस्ट्रक्शन भी हुआ है. और एक पिलर है आयरन पिलर जो कि मेहरौली से मिला है. गुप्ताज कंट्रीब्यूटेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट टू द आर्ट ऑफ ड्रामा. हु नोज नॉट अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन इन द संस्कृत लिटरेचर. संस्कृत लिटरेचर में कालिदास का नाम कौन नहीं जानता. कालिदास कंपोज ए नंबर ऑफ प्लेस, नंबर ऑफ एपिक्स, स्मॉल पोएम्स. अभिज्ञान शकुंतलम इज मैग्नम ओपस. सुद्रक वॉज द राइटर ऑफ मृच्छकटिकम, ए प्ले रिफ्लेक्टिंग ऑन द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल. हु नोज नॉट द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त. अमर सिंह रोट अमर कोश. पुराणास वर कंपोज. Important portions were added to Mahabharata and Ramayana. Smritis were composed in. So it was the golden age of the Sanskrit. It was the
गोल्डन एज ऑफ द संस्कृत। लिटरेचर पे एक सेगमेंट पूरा आ जाएगा आपका, लिटरेचर पे, नॉट ओनली द संस्कृत लिटरेचर, इसमें प्राकृत और संस्कृत दोनों को ही शामिल कर सकते, प्राकृत भी आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको सब पता होगा, इसलिए मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। गुप्ता एज इज नोन फॉर द प्रॉस्पेरिटी, फॉर द पीस, दैट्स व्हाई दे इश्यूड लार्ज नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स ऑफ आर्टिस्टिक क्वालिटी, गोल्ड कॉइन्स ऑफ प्योरिटी, फ्लो ऑफ गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स कंटिन्यूड एज अर्लियर। इसीलिए तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता है भाई, हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि द फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर प्रेशियस आर्टिकल्स कंटिन्यूड इन टू इंडिया। नाउ वी कम टू द चोला पीरियड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब चोलाज के बारे में मैं यहाँ पे मैप बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको। हैं चोलाज जो हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ द इम्पीरियल चोलाज, इम्पीरियल चोलाज, इम्पीरियल चोलाज रूल्ड फ्रॉम रफली 846 टू द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। इस टाइम में इम्पीरियल चोलाज ने शासन किया। नाम सुना होगा आपने, परांटक, राजा राजा प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र थर्ड, कुलोत्तुंग, ये सब इंपीरियल चोलाज थे। लेकिन बात तो चोलों तक ही आकर सीमित नहीं होती भैया। आपको जब चोला पीरियड कहा है तो पीरियड का मतलब चोलाज की एज, तो इसमें चोलों के जो कंटेम्प्रेरी थे वो कौन थे, राष्ट्रकूटाज भी थे, राष्ट्रकूटाज, और फिर चालुक्याज भी आ गए यहां पे, चालुक्याज। तो इस पूरे एरिया का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो आपको देना है। तो योर डिस्कशन शुड नॉट बी केप्ट कन्फाइंड टू सिंपली द चोलाज कंट्रीब्यूशन, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको काफी परेशानी आ सकती है, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। 15 मार्क्स में से 4 भी नहीं मिलेंगे, 4 भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको 15 में से 10 मार्क्स लेने हैं तो फिर आपको आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं, जिस तरह से आपको पहले ही उसमें क्लियर कर देना चाहिए कि दे हैव बीन आस्किंग द क्वेश्चन ऑन चोला पीरियड विच शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द चोला डायनेस्टी। बस आपने अगर ये लिख दिया तो समझो एग्जामिनर के को मैसेज कन्वे हो जाता है कि द स्टूडेंट हैज हैड फुल ग्रेस्पिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब हम उसको देखते हैं कि चोलाज का कंट्रीब्यूशन क्या था, चोला पीरियड का कंट्रीब्यूशन क्या था, मैंने भी गलती कर दी, चोला पीरियड का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो भाई सबसे पहले बात बताइए कि चोलाज जो थे, चोलाज कंस्ट्रक्टेड लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स, राजा राजेश्वर टेम्पल, नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम, नर्थामलाई टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय चोला विजयालेश्वर, ऐसे और बहुत सारे, कुंभकोणम टेम्पल, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ द चोला पीरियड। देन द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाय पांड्याज, सच एज मदुरई टेम्पल ऑफ मीनाक्षी, सच एज द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन केरला। तो दीज टेम्पल्स वुड ऑल्सो कम विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चोला पीरियड। और तो चोला पीरियड इज वेरी वेल नोन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द द्रविडियन आर्किटेक्चर, द्रविडियन आर्किटेक्चर इन विच देयर वर मंडपास, विमानास, गोपुरम्स वर कंस्ट्रक्टेड। बहुत इम्पोजिंग टेम्पल्स होते थे, तो इसका आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा योगदान है। आर्किटेक्चर में फिर राष्ट्रकूटों का भी योगदान है, राष्ट्रकूटाज कंस्ट्रक्टेड द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। चोलाज कंटेम्प्रेरीज वर पांड्यास, दे कंस्ट्रक्टेड इन साउथ इंडिया, एक्सट्रीम साउथ इंडिया, द टेम्पल्स एट
मदुरई एंड अदर प्लेसेस। तो कुल मिला के पूरी द्रविड़ियन कल्चर की बात कही है, द्रविड़ियन टेम्पल्स की बात हम करते हैं, तो चोला पीरियड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सेकेंड आ जाएगा इसमें, सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द स्कल्पचर। चोला स्कल्पचर वॉज नॉट यूनिफॉर्म। चोलास स्टोन स्कल्पचर, स्टोन स्कल्पचर, चोलास ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ किंग्स क्वींस, ये वर्ल्ड फेमस है। चोलास ब्रॉन्ज इमेजेस फ्रॉम ए फ्यू इंस्टॉल टू द लाइफ साइज इमेजेस आर फाउंड एंड दे डू डिपिक्ट द चोला ब्रॉन्ज मेटलर्जी इन ए वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर ऑल द वर्ल्ड ओवर। आज तो बहुत सारी जो ब्रॉन्ज स्पेसिमेन हैं उनकी स्मगलिंग हुई बहुत बड़े पैमाने पर, हैं तो वो बहुत सारे लोग ले गए उसे, अदरवाइज चोलास ब्रॉन्ज इमेजेस आर द एक्सलेंट। दिस वॉज द वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द चोलास। अगर आप ब्रॉन्ज से शुरू करते हैं, चोला ब्रॉन्जेस से, तो इस क्वेश्चन में, इसके आंसर में आप एक एक तरह से एज ले सकते हैं दूसरे स्टूडेंट पे, क्योंकि चोलास का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा ब्रॉन्जेस के ही एरिया में था। और स्टोन इमेजेस ऑफ गॉड्स किंग्स क्वींस गॉडेसेस ये भी हैं, फ्यू इंचेस टॉल टू द लाइफ साइज इमेजेस। विदाउट स्टोन स्कल्प्टिंग वर्क द टेम्पल कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट पॉसिबल। राजकुटास टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड, दे वर कट आउट ऑफ द रॉक्स, होली कट आउट ऑफ द रॉक्स। तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन और स्कल्पचर, स्टोन स्कल्पचर का तो बहुत ही गहरा संबंध है। फ्री स्टैंडिंग आइडल्स एज वेल एज द आइडल्स विच वर यूज फॉर लेइंग द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द टेम्पल्स, दोनों ही तरह से इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो पॉइंट है मैं यहां लिख देता हूं वो है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स वर यूज फॉर डेकोरेटिंग द इनर वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स, इनर वॉल्स ऑफ द विमानास, एंड दीज टेम्पल्स डू रिफ्लेक्ट द थीम्स डिपिक्टेड इन द अवेलेबल इन द रामायण महाभारत पुराण। अब बात वही आ जाती है, अब ये बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि अब ये जो डिबेट है कि भाई चोलाज हिंदू तो नहीं थे, भाई कौन थे फिर वो? द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड विच वर डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, मोस्टली लॉर्ड शिवा, देन विष्णु ऑल्सो, एंड हिंदू माइथोलॉजी इज फुल्ली रिप्रेजेंटेड इन द चोला टेम्पल्स। Goddesses are simply very much given placement in the system of the gods. तो भाई फिर कौन थे चोल? कौन थे अगर हिंदू नहीं थे? तो चोलों को तो हम ब्रह्म क्षत्रिय कहते हैं, वो ब्राह्मण जिन्होंने क्षत्रियों की भूमिका निभाई, और ये कह रहे हैं कि साहब वो तो हिंदू ही नहीं थे। अरे रामायण महाभारत पुराणों का पूरा ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट होता है साउथ इंडिया में। अब ये पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो डिबेट एक दूसरी लाइन में चली जाए, बट वी शुड कीप स्टिकिंग टू आवर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई इन साउथ इंडिया। द तमिल ट्रेडिशन वॉज यूज, तमिल लैंग्वेज वॉज यूज फॉर डिपिक्टिंग दिस ट्रेडिशन इन द फॉर्म ऑफ द भक्ति लिटरेचर एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ द फिलोसॉफिकल बुक्स। भक्ति लिटरेचर वॉज कंपोज बाई द शैव सेंट्स डायनार्स एज वेल एज वैष्णव सेंट्स अलवार्स। बहुत सारे लैक्स ऑफ द भक्ति सॉन्ग्स वर कंपोज बाई द भक्ति सेंट्स इन तमिल language and they became very popular among the people. So the bhakti literature reflects a popular dimension, a subaltern dimension of the Hindu religion and culture.
आम आदमी का धर्म बन गई, और फिलोसॉफी का लिटरेचर है, बिगिनिंग विद स्कॉलर्स ऑफ वैष्णविज्म, द फिलोसॉफिकल लिटरेचर वॉज कंपोज इन ए लार्ज वॉल्यूम. हु नोज नॉट द नेम ऑफ ऑफ रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, नाथ मुनि. ठीक है, तो भक्ति लिटरेचर वॉज पॉपुलर एज वेल एज फिलोसॉफिकल, ये उनका कंट्रीब्यूशन है. और नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ पॉइंट इसमें आप ये दे सकते हो, इट वॉज इन दिस एरा ऑफ चोलास दैट द साउथ इंडियन कल्चर ट्रेवल्ड इन टू श्रीलंका. साउथ इंडियन कल्चर मेड एंट्री इन टू साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया, इसमें साउथ इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा आगे चली गई थी. दैट इज ऑल्सो द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ चोला पीरियड. ठीक है, तो आपको सिंपल वे में आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देना है तो डिस्कशन ही हो जाएगा. ये डिस्कशन इस सेंस में है, एग्जामिनर कोई सिंपल अगर पूछ लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्होंने डिस्कशन कह दिया इसको, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी लगता है. तो उसमें हम पहले ही डिस्कशन कर देंगे कि चोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चोला पीरियड एंड गुप्ता पीरियड, उसका मतलब क्या है, उसे पहले ही आप बता दीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही डायरेक्शन में फिर चला जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया. विद दिस आई कंक्लूड दिस आंसर. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.